उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के हसनपुर तहसील के थाना सैदनगली के गांव ढक्का मोड़ पर जमियत यूथ क्लब कबड्डी प्रतियोगिता मुजाहिद ए मिल्लत की तरफ कबड्डी का आयोजन हुआ। कबड्डी का आगाज कारी मोहम्मद यामीन आप जनरल सेक्रेटरी ने किया, जिसका आज फाइनल मैच ढक्का मोड़ और हैबतपुर बंजारा के बीच हुआ। शानदार प्रदर्शन करते हुए यह मैच ढक्का मोड़ की टीम ने जीत लिया। बाहर से आए मेहमानों ने मैच का आनंद लिया और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर मौलाना इस्तकार, इरफान ठेकेदार, कादिर मलिक खुर्रम, आजाद साहब, मौलाना यूनुस, मौलाना सगीर मकसूद, हाफिज महमूद आदि लोग मौजूद रहे। समर इंडिया के लिए सैद नंगली से मोहम्मद इस्तेखार की रिपोर्ट। मौलाना साहब, ये कबड्डी प्रतियोगिता जो हुई है ये किस लिए हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जमियत के अकाबिर और उलमा ने 1960 में गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन के अंदर ये था कि हम अपने मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं कि जिसमें मुल्क में रहने वाली हर एक कौम, वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उसके अंदर शरीक रहें और जुड़ें। चुनांचे स्काउट का नाम उसके अंदर लिखा गया। बहुत कोशिशों के बाद, जमियत उलमा के अकाबिर की कोशिशों के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट से इसकी इजाज़त मिली। जमियत के लोगों ने कदम उठाया और इस प्रोग्राम को शुरू किया और इसका नाम स्काउट दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में स्काउट का प्रोग्राम शुरू हुआ और मुल्क से बाहर निकलकर भी इसकी बुनियाद डाली, वहाँ से भी इसके बड़े अच्छे नतायज सामने आए। हमारे ज़िला अमरोहा में जमियत के ज़िम्मेदार, जिनमें ख़ास तौर से कारी मोहम्मद यामीन साहब, उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने बड़ी हुस्न खूबी के साथ में और बहुत मुतहर्रिक और फ़ाल तरीक़े से इसमें मेहनत की, कोशिश की और पूरे इलाके को जोड़ने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ढक्का मदरसा मिसबाहुज़फ़र से भी तलबा शरीक हुए और ढक्का मोड़ यहाँ से दो बच्चे, जिनका नाम मुजीबुर रहमान और मुहिब्बुर रहमान है, जो मौलाना सगीर के लड़के हैं, ये उसके अंदर शरीक हुए और बड़े शाना बशाना और मेहनत और कोशिश इन्होंने की और शरीक होने के बाद इन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की। उसके बाद ही जमियत के प्रोग्रामों में शरीक होते रहे। फिर इन्हीं की कोशिश और मेहनत से 14 फरवरी को एक फाइनल मैच हुआ कबड्डी के नाम से, यहीं ढक्का मोड़ मदरसे के पास, और उसमें 3 दिन तक प्रोग्राम चला। कभी ढक्का मोड़ की टीम कामयाब होती रही, कभी हैबतपुर की, कभी ढक्के की, कभी दूसरे इलाके से जो लोग आए थे, कभी वो कामयाब होते रहे। बहरहाल 14 फरवरी 2021 को मदरसे के पास फिर एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें कारी मोहम्मद यामीन साहब, मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब हैबतपुर, और इसी तरीके से भाई खुर्रम आज़ाद साहब हसनपुर से और भी दीगर उलमा और दूसरे हजरात इसमें तशरीफ़ लाए और ढक्का और मोड़ के बड़ी तादाद में बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी शरीक हुए और 3 राउंड इस टीम के हुए। तीनों राउंड इस टीम ने, यानी कि ढक्का मोड़ की टीम ने जीते और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी हुई और उन्होंने कामयाबी के बाद बड़ा इनाम भी हासिल किया और बहुत अच्छी तरीके से हैबतपुर के लोग भी खेले और ढक्का मोड़ के लोग भी खेले, लेकिन कामयाबी मुकद्दर में ढक्का मोड़ वालों के थी और वो कामयाब हुए। बड़े इनाम से उनको नवाजा गया। फिर आखिर में कारी मोहम्मद यामीन साहब ने कुछ नसीहतें की और भाई खुर्रम आज़ाद साहब ने कुछ नसीहतें की और उसके बाद इनाम तकसीम करके प्रोग्राम ख़त्म हुआ। और हम फिर आप हजरात से गुजारिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आइंदा भी इसको शुरू करेंगे और शुरू करने के बाद हम इसमें मुख्तलिफ दूसरे शोबे शामिल करेंगे स्काउट के तहत, जैसे वर्जिश है, कबड्डी है और इसके अलावा 1-2 प्रोग्राम और हैं, उनको भी शामिल करेंगे। मेरी सभी हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात भी अपनी बस्तियों में, अपने इलाकों में ज़िम्मेदारों से मशवरा करके नौजवानों को जोड़ने की कोशिश करें। और माशाल्लाह हमारी ये ढक्का मोड़ की टीम बहुत तरक्की कर रही है। बाज़ बच्चे बहुत थोड़ी उम्र के हैं, जिनकी उम्र 13-14 साल 12 साल है और वो माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत कामयाब नज़र आ रहे हैं, बहुत मुतहर्रिक तरीके से
وہ کھیلتے ہیں اور بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں. دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال مزید ترقی کامیابی نصیب فرمائے، نظر بد سے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ عصر کے بعد روزانہ مستقل یہ پروگرام چلتا رہے گا. سبھی حضرات شرکت فرمائے. آمین.